महादेव दोस्तों, जय बालाजी महाराज, भारत माता की जय। तो दोस्तों, इस वक्त दोस्तों मैं मेहंदीपुर बालाजी दोस्तों, और हम जा रहे हैं दोस्तों बालाजी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों कल हम जयपुर से चले थे आगरा के लिए, लेकिन हम आगरा नहीं पहुंच सके थे, तो हम बालाजी रुक गए थे रात। तो दोस्तों आज हम बालाजी के दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद तो दोस्तों हम चलेंगे फिर आगे आगरा, ठीक है दोस्तों। मंदिर में जाने का रास्ता है ये, दोस्तों हम अंदर जा रहे हैं बालाजी महाराज के मंदिर में जी, और ये रास्ता है दोस्तों। जय बालाजी महाराज। Thank you.
मैं देख रही हूँ कहाँ है उनकी यार। दोस्तों हमने बालाजी महाराज के दर्शन कर लिए हैं और अभी हम चलते हैं अपनी अगली यात्रा की ओर। तो जा रहे हैं हम दोस्तों आगरा। आपको बालाजी के दर्शन करवा दिए हैं और धूप निकल चुकी है दोस्तों, ये अच्छी बात है क्योंकि सुबह काफ़ी धुंध थी दोस्तों, बट अच्छी बात है धूप निकल गया और अभी अपना सफ़र शुरू करते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, जय बालाजी महाराज, भारत माता की जय। दोस्तों आज हम थे बालाजी, दोस्तों बालाजी हमने रात गुजारी, बालाजी के दर्शन किए। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों आगरा की तरफ, क्योंकि हम कल जयपुर से चले थे आगरा के लिए, बट देर होने की वजह से हम बालाजी रात रुक गए थे। तो अभी हम दोबारा सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं आगरा के लिए। तो देखते हैं दोस्तों पहले लिफ्ट कब और कैसे मिलती है। दोस्तों बने रहना दोस्तों ब्लॉग में। तो चल रहे हैं दोस्तों हम अभी पैदल पैदल, हम निकल चुके हैं दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी से। और दोस्तों NH 21 रोड, ये देखिए जयपुर और आगरा, हमें जाना है आगरा दोस्तों। तो इस साइड से दोस्तों हम आए थे और अभी हम जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हम आ चुके हैं दोस्तों जयपुर आगरा हाईवे पर दोस्तों, और अभी हम निकल पड़े हैं। तो आज थोड़ा पैदल चलने का मन था तो अभी पैदल चल रहे हैं दोस्तों। बाकी देखते हैं, अभी 3-4 किलोमीटर में पैदल चल चुका हूँ अभी। तो आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। अभी थोड़ी बैग थोड़ा भारी है तो इस वजह से थोड़ा जो कंधे हैं वो थोड़े दुख रहे हैं क्योंकि बैग थोड़ा भारी है। तो अभी देखते हैं दोस्तों कोई लिफ्ट मिलती है तो ठीक है, वरना चलते हैं पैदल पैदल। और बने रहना दोस्तों ब्लॉग में। आज हम आगरा पहुँच के रहेंगे दोस्तों, क्योंकि आगरा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, पहले लिफ्ट का इंतज़ार है हमें आज। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दोस्तों महुआ के पास। भरतपुर 80 किलोमीटर है और आगरा है दोस्तों 134 किलोमीटर दूर। दोस्तों पैदल यात्रा हमने काफ़ी कर ली, अभी स्टार्ट करते हैं हम ही चेकिंग। और हमने अपना बोर्ड निकाल लिया ही चेकिंग वाला। तो अभी पैदल यात्रा अपनी काफ़ी हो गई है क्योंकि 5-6 किलोमीटर के आसपास मैं पैदल चल चुका हूँ, अभी थोड़ा थक चुका हूँ। अभी देखते हैं दोस्तों लिफ्ट मिलती है तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो करते हैं शुरू दोस्तों लिफ्ट। तो फाइनली दोस्तों हमें पहली लिफ्ट मिल चुकी है, हमें अंकल जी ने लिफ्ट दिया है, थैंक यू अंकल जी का बहुत बहुत। तो देखते हैं अंकल जी कहाँ तक जाते, कहाँ तक जाओगे अंकल जी? महुआ से आगे, महुआ से आगे तक जाएंगे। महुआ यहाँ से 12-13 किलोमीटर है, तो अंकल जी हमें महुआ से थोड़ी आगे तक पहुँचाएंगे। तो थैंक यू अंकल जी का बहुत बहुत। और फाइनली जाके लिफ्ट मिल चुकी है दोस्तों, और पानी पीते हैं थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों आप भी पियो। रुके हैं और अंकल जी ने हमें चाय ऑफर की है। अंकल जी कब के रुक रहे थे, देख रहे थे दुकान, मुझे सोचा भी यहीं पे जाएंगे, बट वो देख रहे थे चाय की दुकान। तो अंकल जी ने हमें चाय पिलाई है, तो थैंक यू अंकल जी बहुत बहुत आपका अंकल जी। तो अंकल जी चाय की दुकान देख रहे थे, मुझे लग रहा था कि शायद ये यहीं तक जाएंगे, बट ये आगे तक जाएंगे। चलो चाय का आनंद लेते हैं तब तक। तो फाइनली दोस्तों अंकल जी ने हमें दी थी 15 किलोमीटर की लिफ्ट, महुआ से आगे तक अंकल जी ने हमें लिफ्ट दी थी।
तो हम महुआ से अब आगे जा रहे हैं पैदल पैदल। तो यहाँ से जो आगरा है दोस्तों वो है 110 से 112 किलोमीटर रह चुका है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट लिफ्ट मिलती है, और कोशिश ये रही कि आज हम पहुँच जाएँ आगरा, क्योंकि कल चले थे। तो अभी टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं दोपहर के, तो कोशिश रहेगी आज आगरा हम पहुँच जाएँ किसी भी तरह। बाकी देखते हैं, लिफ्ट अगर मिलती रहती है हमें तो हम ज़रूर पहुँच जाएँगे दोस्तों आगरा। तो देखते हैं दोस्तों और वेट करते हैं नेक्स्ट लिफ्ट का। फाइनली भैया जी ने लिफ्ट दिया हमें, थैंक यू भैया जी, आपको बहुत बहुत भैया। बस ये है जी, कोई मंदिर गुरुद्वारा में धर्मशाला में कहीं ना कहीं बस ठंडा थोड़ी सी वजह से रुकना पड़ता है उसमें, तो कमरों में अगर गर्मी हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कैंपिंग टेंट हो कोई दिक्कत ही चल जाता है, बस सर्दी के कारण थोड़ा रुकना पड़ता है कमरे में। तो दोस्तों मैं तो जा रहा था तो भैया ने खुद ही बाइक रोक ली, बोल रहे थे ये झंडा देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आप भारत यात्रा पर हो, तो इसलिए उन्होंने खुद से ही रोक दिया था। तो थैंक यू भैया आपका बहुत बहुत, 8-9 किलोमीटर की लिफ्ट दी है भैया ने हमें, और अभी हम चल रहे हैं और आगे की यात्रा करते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी मैं हूँ आगरा से ही 91 किलोमीटर पीछे हूँ, अभी क्या आगरा रह चुका है दोस्तों 91 किलोमीटर दूर है, और अभी थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो फिर यात्रा शुरू करते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों एक बात है, भारत बहुत खूबसूरत है वो घूम कर ही पता चलता है। और दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा, घर में पड़े रहने से अच्छा है अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भाई भारत घूमिए, क्योंकि भारत घूमकर आपको जो कुछ सीखने को मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सीख रहा हूँ बाहर रहकर घर से, क्योंकि घर रहकर तो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं हम, बट घर के बाहर जाकर हम कंफर्ट जोन में बाहर जाते हैं तब एहसास होता है हमें कि क्या होता है घर, और घर में रहना और बाहर रहना बहुत ज़मीन आसमान को फ़र्क है। तो भाई जितना हो सके देखिए, भारत यात्रा करके देखिए, बहुत बढ़िया एहसास होगा। हाँ अगर आप टेंशन फ्री हैं तब तो और भी बढ़िया है भाई, अगर थोड़ी टेंशन बाजी है तब भी मैं बोलूँगा कि घूमिए, थोड़ा घूम कर आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा और अच्छा लगेगा आपको। तो बस यही बोल रहा हूँ कि भारत घूमना चाहिए भाई, हर किसी को मेरे हिसाब से भारत घूमना जरूर चाहिए एक बार से। तो बाकी देखते हैं दोस्तों, हमने अपनी यात्रा शुरू की हुई है, तो देखते हैं दोस्तों आज आगरा पहुँचना है हमें, कब तक पहुँचते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में। तो दोस्तों इस वक्त हूँगा मैं गांव नसवारा में, जो कि डिस्ट्रिक्ट भरतपुर में है दोस्तों, राजस्थान में। और दोस्तों आज हमने आगरा जाना था लेकिन हम आगरा नहीं जा पाए, क्योंकि धूम जाना थी सुबह, तो उस वजह से हम 11:30 बजे चले थे, तो लिफ्ट भी हमें आज कम ही मिली है, तो इस वजह से दोस्तों हम आगरा नहीं पहुँच सके। तो इस वक्त दोस्तों मैं गाँव नसवारा में दोस्तों, और यहाँ नसवारा गांव में एक मंदिर में रुका हूँ दोस्तों मैं, और यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने देखी वो मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों, वो ये चीज़ थी दोस्तों, यहाँ गांव नसवारा में दोस्तों एक लाइब्रेरी खोली गई है गांव वासियों की तरफ से मंदिर में, और बच्चों के सहयोग से, गाँव वासियों के सहयोग से। तो उस लाइब्रेरी में क्या होता है कि दोस्तों बच्चे अपनी जो कॉम्पिटिशन होती है, जो परीक्षा होती है, उसकी तैयारी करते हैं दोस्तों, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों। दोस्तों ये चीज़ अगर हर गांव में हो जाए ना, तब बहुत ही आगे जा सकते हैं हमारे बच्चे, और मेरे हिसाब से हर गांव में, मंदिर में या गुरुद्वारा में, जहां भी हो, जहां हो सके हमारा, वहां पर ऐसा एक कमरा होना चाहिए जहां पर बच्चे आराम से बैठकर बिना डिस्टर्ब हुए पढ़ाई कर सको, क्योंकि घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं डिस्टर्ब होते हैं, एक माहौल क्रिएट करने की बात होती है। अब यह मैं आपको दिखा देता हूँ गांव नसवारा में, देखिए दोस्तों ये दोस्तों
गौन उस बारे में। तो अभी हम अंदर चलते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों बनाया गया है बच्चों के बैठने के लिए दोस्तों। ये सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, सॉरी जो कुर्सी हैं, और यहाँ पर दोस्तों ये बच्चों बैठ कर यहाँ किताबें पढ़ते हैं, अपनी तैयारी करते हैं दोस्तों। अभी एक भाई था, ये बाहर बैठा था, इसने ये तैयारी कर रहा था, ये किताबें पढ़ी हैं। बच्चे यहाँ पर आते हैं, तैयारी करते हैं बैठकर। जो मुझे सबसे अच्छा लगा दोस्तों, एक हर गांव में एक लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए जहाँ बच्चे आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकें, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं तो एक माहौल बनता है, और माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर पढ़ाई करता है अगर बच्चे पास में पढ़ाई कर रहे हो तो। दोस्तों ये देखिए कितना बढ़िया है दोस्तों, ये देखिए एक लाइब्रेरी बनाई है बच्चों के बैठने के लिए। ये देखिए कुर्सियाँ और चार्जिंग की सुविधा भी है यहाँ पर दोस्तों। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों मुझे, और आप भी बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ये हर गांव में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने ये पहली बार देखा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है दोस्तों।